नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम नितिश तिवारी और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ श्री राम भक्त हनुमान जी के जन्मस्थली पर। संकट मोचन हनुमान जी का जन्म कर्नाटक राज्य के हम्पी क्षेत्र में तुंगभद्र रिवर के उस पार अंजनेय हिल पर हुआ था। हम्पी तक पहुंचने के लिए आपको वेल कनेक्टेड पूरे भारत से रोड मिलेंगी। मैं बाई ट्रेन गया, जो कि दिल्ली से हॉस्पिट तक की ट्रेन ली मैंने। एकमात्र स्टेशन है जो कि हम्पी के सबसे नज़दीक है, 12 किलोमीटर दूरी पर। वहां से मैंने ऑटो लिया जो कि 200 से 250 रुपए प्रति पर्सन आपको चार्ज करता है हम्पी तक पहुंचाने के लिए। हम्पी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर रुइंस मिलेंगे आपको। हम्पी यानी कि इतिहास हमारा जो है उसको किस तरह 1700 सल्तनत आकर तबाह करके गई उसके बारे में आपको पूरा पता चलेगा। उसकी वीडियो मैं जल्द ही आपको दिखाने वाला हूँ। तब तक जय श्री राम के जय घोष से शुरू करते हैं अपनी यात्रा। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:30 बजे भारत देश में हुआ था। अंजनेय हिल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 600 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको हनुमान जी के बारे में काफ़ी तथ्य और फैक्ट्स मिलेंगे और कुछ अनसुलझे राज भी। मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे है और शाम के 6 बजे तक मंदिर का समय रहता है। आप अगर विजिट करना चाहते हैं तो उसी के अनुसार आइएगा। अंजनेय माता को श्राप मिला था कि उनकी कोख से कोई भी संतान जन्म नहीं ले पाएगी, इसलिए उन्होंने लगभग 11 वर्षों तक तपस्या की शिव जी की, जिसके बाद रुद्रावतार स्वयं हनुमान जी उनके कोख से जन्म लिया। और इस तरह अंजनेय माता जी का श्राप हरने के लिए शिव जी ने उनकी कोख से जन्म लिया। आप हमेशा देखेंगे कि हनुमान जी का ध्वज या हनुमान जी को हमेशा सिंदूर लगाया जाता है उनके पूरे बदन पर। ऐसा क्यों? एक्चुअली में श्री राम जी की लंबी उम्र के लिए सीता माँ अपने मांग में सिंदूर भरती थी, जिसको देखकर हनुमान जी ने अपने पूरे बदन पर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया था, जिसको समझते हुए आज तक यही रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं। और उसी प्रकार आज भी जो उनकी मूर्ति या फिर उनका कोई भी एक प्रतिरूप बनाया जाता है उस पर हमेशा सिंदूर ही लगाया जाता है। हनुमान जी ने कई राक्षसों का वध किया और उनके आतंक से कई ग्रामवासियों को भयमुक्त किया। भगवान सूर्योदय का अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने उन्हें फल समझकर अपने पेट में धारण कर लिया था और भगवान शिव के आग्रह करने पर सूर्योदय को मुक्त किया। उनको सभी देवी देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त थे, जिससे वो जग कल्याण में भगवान राम की सहायता करने में सक्षम हो गए थे। उन्होंने महाज्ञानी रावण के साथ युद्ध में भगवान श्री राम की सहायता कर उनका विजय पथ सुगम कर दिया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के इस दोहे को आपने न जाने कितनी बार दोहराया होगा, लेकिन हम में से अधिकतर यह बात जानते ही नहीं। आखिर वो क्या इन सिद्धियों के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी वो अष्ट सिद्धियां हैं जिनके दाता महाबली हनुमान बताए गए हैं? क्या वास्तव में इस संसार में ऐसी सिद्धियां मौजूद हैं जिनसे असंभव को संभव बनाया जा सकता है? महाबली हनुमान न सिर्फ अष्ट सिद्धियां प्रदान करते हैं बल्कि 9 निधियों के प्रदाता भी हनुमान जी ही हैं। इन 8 प्रकार की सिद्धियों के बल पर इंसान न सिर्फ भय
और बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि कई असंभव से लगने वाले कार्यों को भी बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकता है। महाबली हनुमान द्वारा उपासकों को प्रदान की जाने वाली 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित और वशित। अणिमा अर्थात इंसान कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। महिमा मतलब मनुष्य अपने शरीर को कई गुना विशाल बना सकता है। गरिमा सिद्धि से साधक अपना वजन किसी विशाल पर्वत से भी ज्यादा कर सकते हैं। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि के पूर्ण हो जाने पर साधक अपना भार मयूर पंख से भी हल्का कर सकते हैं। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इसके बल पर साधक भविष्य में झांक सकता है और पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकता है। प्राकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि से प्रताप के कारण स्वयं महाबली हनुमान जी चिरकाल तक युवा रहेंगे। अपनी इच्छा से किसी का भी देह धारण कर सकते हैं। ईशित्व सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। आठवीं और अंतिम सिद्धि का नाम है वशित्व। ये सिद्धि अपने साधक को जितेंद्रिय बनाती है। इसके प्रभाव से साधक अपने मन पर पूरा नियंत्रण रख सकता है। ये वही सिद्धि है जिसके बल से इसके साधक किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसी के प्रभाव से महाकपि हनुमान जी अतुलित बल के धाम कहे गए हैं। तो ये थी 8 सिद्धियां जो कि केवल श्री राम परम भक्त हनुमान जी के पास ही थी। अब हम आ चुके हैं अपने द्वार फाइनल डेस्टिनेशन पे, जहां पर हमें चलना था। 572 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहुंच चुके हैं श्री राम परम भक्त हनुमान जी के मंदिर पर। यहां से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो यहां से मॉर्निंग सनराइज और सनसेट दोनों ही दिखेगा। यही रीज़न होगा कि यहाँ से श्री राम परम भक्त हनुमान जी ने सुबह सुबह उगते हुए सूरज को आम समझकर ईस्ट दिशा की ओर उड़कर चले गए और सूरज को निगल लिया था। मंदिर के समीप सनराइज और सनसेट पॉइंट भी है, तो आप आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं सनराइज पॉइंट पे, जहाँ से पूरा हम्पी शहर दिखता है, और सनसेट पॉइंट पे भी देख सकते हैं जहाँ से पूरा हम्पी शहर, विरूपक्ष टेंपल और रुइंस ऑफ हम्पी दिखते हैं। फाइनली यही है डेस्टिनेशन पॉइंट श्री राम परम भक्त हनुमान जी के बर्थ प्लेस, जन्म स्थली जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जय श्री राम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फ्यूचर में नई नई वीडियोस आती रहें। फाइनली मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं मंदिर तक पहुंच पाया और यहाँ पर मुझे इतना समय मिल पाया कि मैं अपना समय यहाँ पे व्यतीत कर सकूं, तो मैं अंदर गया और शांति से ध्यान में बैठ गया धन्यवाद देने के लिए कि मुझे यहाँ पे आपने बुलाया। इसके पश्चात मंदिर के बाहर आकर वहाँ पर एक परिक्रमा पूरी की, जिससे कि वहाँ की जितनी भी पॉजिटिव वाइब्रेशन है मेरे अंदर समा जाए और मैं भी इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने साथ ले जा सकूं। नमो नमः श्री गुरु पादुका।
वैसे तो हमारे सारे श्लोक और मंत्र उच्चारण संस्कृत भाषा में है, लेकिन आपको पता है हनुमान चालीसा जो कि एक अवधी भाषा में लिखी गई है उसमें हमारे सूर्य से धरती तक का डिस्टेंस भी बताया गया है। आपको ये पता नहीं होगा, आपने हजारों बार हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताही मधुर फल जानू। युग का अर्थ है 12,000 वर्ष, सहस्त्र का अर्थ है 1,000 वर्ष और योजन 8 मील। युग सहस्त्र योजन को गुणा किया जाए तो यह आपको इक्वल्स में आएगा 96 मिलियन माइल्स। अगर 96 मिलियन माइल्स को हम कन्वर्ट करेंगे 1.6 किलोमीटर से इंटू करके तो यह एग्जैक्ट आपको डिस्टेंस बताएगा कि धरती से सूर्य तक के बीच की दूरी कितनी। आज भी और आज से 300-400 वर्ष पूर्व जब आंकलन हो रहा था कि धरती से सूर्य की दूरी इतनी है या धरती से चंद्रमा की दूरी इतनी है या नौ ग्रह जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है उनके बारे में जब आंकलन किया जा रहा था कि यह मौजूद है, उससे कई हजारों वर्ष पूर्व हमारे एंसेस्टर्स जिनको कि हमने भुला दिया है उन्होंने पहले से ही हमें बताया था। उनके लिए बुक्स, इंटरनेट, गूगल ये सब नहीं था। उन्होंने कार्व करके पत्थरों पे बना के हमारे लिए छोड़ा कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए इनके बारे में। हम अपने इतिहास भूलते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं कि हमें एक चौपाई से पता चल रहा है कि ये चीज मुमकिन है। हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे, जितने भी पूर्वज थे, लगभग 1700 सल्तनत का सामना किया और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जीवित हैं और यहाँ पर हम सोच रहे हैं अपने इतिहास के बारे में। एक चौपाई से हमें इतना सब कुछ पता चल रहा है तो जरा सोचिए जो ओरिजिनल वैदिक स्ट्रक्चर्स थे, वेदास थे, उपनिषद थे, जिनको कि चुरा कर ले गए विदेशों में, उनमें क्या रहस्य छुपा होगा। मंदिर के समीप कुछ देर समय व्यतीत करने के बाद, शांति से बैठने के बाद, नमस्कार कर कर मैं निकल पड़ा वापसी की ओर। धन्यवाद कहा मैंने श्री राम परम भक्त हनुमान जी को कि मुझे आपने बुलाया। फिर आज्ञा होगी तो कभी आप बुलाएंगे तो ज़रूर आऊँगा। इसी आज्ञा में वापस चल पड़ा नीचे की तरफ। जल्द ही मैं किष्किंधा शहर जो कि आज के नाम पे हम्पी जाना जाता है, जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य विजयनगर की कैपिटल रहा था, इतनी सल्तनत आई उसको लूट मार के तबाह करके चली गई, उसके बारे में वीडियो नेक्स्ट ही वीक में डालने वाला हूँ। कनेक्टेड रहिए मेरे चैनल से, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को। धन्यवाद करता हूँ आपको वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार। Yeah.